दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने यूपीआई वॉलेट से कहीं भी दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे देश से यूपीआई के ज़रिए आप इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या है इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिजिटल लेन देन करने वाले लोगों को जल्द ही यूपीआई पेमेंट के ज़रिए विदेश से पैसा भेजने या फिर पाने की सुविधा मिलेगी। फिलहाल इंडसइंड बैंक ने यह सर्विस स्टार्ट की है। इसके जरिए विदेश में काम कर रहे भारतीय नागरिक अपने परिजनों को यूपीआई के जरिए पैसा भेज सकेंगे। इस सेवा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक पहला बैंक बन गया है। इसके तहत बैंक अपने मनी ट्रांसफर ऑपरेटर सहयोगों को यूपीआई आईडी के जरिए विदेश में पैसा भेजने मंगाने की सुविधा देगा। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया गया है। यूपीआई आईडी आपके बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर से लिंक होती है। यूपीआई आईडी से पैसा भेजने के लिए बार बार खाता नंबर और पासवर्ड दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। भेजने वाले व्यक्ति को केवल अपना यूपीआई पिन दर्ज करना होता है। विदेश में पैसा भेजने के लिए और मंगाने के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी। पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा। बैंक के मुताबिक इस सुविधा का लाभ ग्राहक 24 घंटे उठा सकते हैं। जल्द ही अन्य देशों के साथ भी करार कर यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस सेवा का फायदा विशेषकर उन लोगों को होगा जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं और भारत में परिजनों को पैसा भेजना चाहते हैं। इससे पैसा भेजना सुरक्षित और तेज होगा, साथ ही किसी भी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही इस सर्विस को स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको विदेश से पैसा मंगाने के लिए या फिर भेजने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।